दोस्तों स्वागत है फिल्मी सीरीज के इस नए वीडियो में। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड की फिल्में अपने जोनों के चलते काफी पॉपुलर होती हैं, तो आज हम रॉबरी के पुराने माहौल वाली फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में टॉप 10 डाकुओं की डकैती पर आधारित फिल्मों के लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 पर 1987 की ब्लॉकबस्टर मूवी डकैत आती है। इसी फिल्म से सनी देओल को एक नई पहचान मिली थी। अब बढ़ते हैं आगे। टॉप 9 पर मूवी आती है मुझे जीने दो। इस फिल्म में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने एक खुखार डाकू का रोल प्ले किया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूवी यानी टॉप 8 पर मूवी आती है, उस फिल्म का नाम है यासीन। इस फिल्म में आप सभी को सनी देओल और अमरीश पुरी के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है और यह फिल्म YouTube पर आप फ्री में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। टॉप 7 पर फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम है गंगा की सौगंध। इस फिल्म में आप सभी को अमिताभ बच्चन का डाकू वाला किरदार देखने को मिलने वाला है। टॉप 6 पर फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम है मेरा गाँव मेरा देश। यह फिल्म अपने समय की फेमस मूवी में से एक थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक खुखार डाकू का किरदार प्ले किया था। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 पर मूवी आती है, उस फिल्म का नाम है चाइना गेट। यह फिल्म पूरी तरह से डाकुओं वाली फिल्म कही जाती है और यह फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी टॉप 4 पर मूवी आती है, उस फिल्म का नाम है शोले। इस फिल्म में आप सभी को गब्बर सिंह का दहशत देखने को मिलने वाली है। तो फाइनली टॉप 3 पर फिल्म आती है इरफान खान की, उस फिल्म का नाम है पान सिंह तोमर। यह फिल्म इरफान खान की करियर की बेस्ट फिल्म मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी टॉप 2 पर फिल्म आती है सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म सोन चिड़िया। इस फिल्म में सुशांत सिंह के अलावा मनोज बाजपेयी भी अहम भूमिका में नजर आए थे। टॉप 1 पर फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम है शमशेरा। इस फिल्म की कहानी में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़का अंग्रेजों से अपने पिता के मौत का बदला डाकू बनकर लेता है। इस फिल्म की कहानी में यही दिखाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।